और राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस एमएलए पानाचंद मेघवाल ने इस्तीफा दे दिया है। जालौर में दलित छात्र की मौत से दुखी होकर उन्होंने ये कदम उठाया है, जहां पर पिटाई के बाद एक छात्र की मौत हुई थी, जिसे लेकर इस मामले ने तूल पकड़ लिया और अब कांग्रेस एमएलए पानाचंद मेघवाल ने इस्तीफा दे दिया। राजस्थान के जालौर में पिटाई के बाद दलित छात्र की मौत से सीएम गहलोत अपनों के निशाने पर आ गए हैं। दलित छात्र की मौत से आहत होकर कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल ने सीएम गहलोत को अपना इस्तीफा भेज दिया है। जन क्रांति लाने के लिए मुझे कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज में मेरे ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। विधायक पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं एक जनक्रांति पूरे राजस्थान में लाना चाहूंगा, ताकि दलित समाज के जो अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनका जो दमन हो रहा है, उनका रक्षा कर सके। बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी गहलोत सरकार पर पहले से ही हमलावर है। आरोप है कि एक शिक्षक ही भक्षक बन गया। अगर न्याय नहीं मिला परिजनों को तो लंबा आंदोलन, लंबी लड़ाई होगी राजस्थान के अंदर होगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर चाहे शिक्षालय हो चाहे पुलिसालय हो, सारे यातना का केंद्र बनते जा रहे हैं। चौतरफा हमले के बाद सीएम गहलोत ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और छुआछूत को मानवता पर कलंक बताया। जिस दलित बच्चे की मौत पर आज राजस्थान की सियासत में तूफान मचा हुआ है, उसकी शुरुआत हुई 20 जुलाई को, जब जालौर के सायला थाना क्षेत्र के सुराणा गांव में एक निजी स्कूल में एक टीचर ने बच्चे को बुरी तरह पीट दिया। पिता का आरोप है कि उसकी बेटी की पिटाई सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसने दलित होते हुए टीचर के लिए रखे घड़े से पानी पी लिया था। इतनी सी बात पर ही टीचर ने बच्चे को इतना पीटा कि उसके कान और गले पर गंभीर चोटें आ गईं। बच्चे को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर उसकी जान नहीं बच सकी। मासूम की मौत के बाद सियासत और सियासी पर्यटन का दौर जारी है। मुआवजा चाहे 5 लाख मिले या 50 लाख, क्या बच्चे की जान की कोई कीमत हो सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।